हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों इस बार रेलवे का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंजिंग हुई है। अगर बात करें हम जीके की तो जीके में दोस्तों इस बार काफ़ी सवाल जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने कुछ खास सवालों को यहाँ पर कलेक्ट किया है जो काफ़ी बार आपको CGL में भी और LDC में भी और रेलवे में भी काफ़ी सवाल को रिपीट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है, पहला सवाल कि क्वासियोर्कर तथा मरास्मस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों ये बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है, कुछ लोगों को ये पता होता है कि क्वासियोर्कर बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है लेकिन मरास्मस के बारे में पता नहीं होता है, तो ये दोनों को आप ध्यान से रख लीजिएगा दिमाग में। अब अगला सवाल यह है कि बिडाल टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सवाल पे गौर कीजिएगा, सवाल यह है कि बिडाल टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो इसका जवाब है दोस्तों कि टाइफाइड के जांच के लिए बिडाल का टेस्ट किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैंने देखा था LDC में एक बार पूछा था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला सवाल है कि एथलीट फुट रोग किससे होता है। तो दोस्तों जो एथलीट फुट रोग होता है वो फंगस के कारण होता है, फंगस के कारण एथलीट फुट रोग होता है। अगला सवाल है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सवाल को गौर कीजिएगा कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। दोस्तों ये यकृत जो है ये इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, तो लीवर में आपको विटामिन ए जो होता है वो स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो ये इसका जवाब है, इसको माइंड में रख लीजिएगा। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। जी हाँ दोस्तों, जीवाणु की बात हो रही है तो जीवाणु का जवाब है तो इसको सबसे पहले पता लगाया था ल्यूएनहॉक ने। किसने लगाया था? ल्यूएनहॉक ने, ठीक है। अगला सवाल है कि ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये दोनों ही आँख की बीमारी है। तो अगला सवाल है कि हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका जवाब है यकृत यानी लीवर। अगला सवाल है दोस्तों कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, सवाल पे इस पे गौर कीजिएगा कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हड्डी है वो पैर में पाई जाती है, इसका नाम है टिबिया। और अगला सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 22 प्रकार के शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल यह है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं बॉडी में, तो इसमें से जो लार में पाया जाता है जो एंजाइम, उसको टाइलिन कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये तंत्रिका तंत्र है। और दोस्तों इसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि होता क्या है कभी कभी इंग्लिश में दे देता है, तो इसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तंत्रिका तंत्र की जगह नर्वस सिस्टम लिख देगा, तो इसको समझ लीजिएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विटामिन शब्द को प्रतिपादित किसने किया था, ठीक है। विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो इसकी विटामिन शब्द को प्रतिपादित आपको फंक ने किया था, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, इसको मैंने आपके याद करने में आसानी हो इसके लिए मैंने यह कलेक्ट किया है कि विटामिन ए और बी दोनों के आविष्कारक कौन थे। ये अलग अलग याद कर ले, इससे बढ़िया कि दोनों को मिला करके, क्योंकि ये दोनों विटामिन के आविष्कारक एक ही थे, मैकुलन नाम था उनका। उन्होंने विटामिन ए का भी आविष्कार किया था और विटामिन बी का भी किया था। अगला सवाल है कि विटामिन सी के आविष्कारक कौन थे। तो दोस्तों इसका आविष्कारक होलकट थे, होलकट ने विटामिन सी का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। तो दोस्तों ये पेप्सिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है बॉडी में, उसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। अब अगला सवाल है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, ठीक है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो बीमारी है मुर्गियों से संबंधित है, ये मुर्गियों में पाई जाती है बीमारी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अब अगला सवाल बढ़ते हैं कि ये सवाल है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। जी हाँ दोस्तों, सवाल पे गौर कीजिएगा, सवाल ये है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। तो दोस्तों ये हमारे लीवर में बनता है, लीवर में यूरिया बनता है, ठीक है। अगला सवाल है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका होता है। यहाँ दोस्तों गौर कीजिएगा, सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका होता है। तो दोस्तों ये ट्रिलियम का होता है, ट्रिलियम का सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है।
और अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको कि सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है। तो दोस्तों ये शैवाल का होता है, शैवाल का जो होता है सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। कभी कभी क्या करता है कि पूछ देता है इसमें से कोई एक का कि सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है या सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका होता है, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये एक टॉपिक की तरह है कि इसमें ये बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो लाल रंग के प्रकाश में अधिक और नीले रंग के प्रकाश में कम होती है। दोस्तों ये कहने का मतलब है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो लाल रंग के प्रकाश में ज़्यादा होती है बजाय नीले रंग के होती है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और यह सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ये कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस बार कुछ फिजिक्स के सवाल लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा,